यस सर, बोलिए सर। हाँ अच्छा, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ बाबू, तो ये तो छूट गया ना। देखो लेंस एक बार और बोल देते हैं, शैतान छूट गया रिकॉर्डिंग में ना। देखो वो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वन बटा भी या प्लस वन बटा यू, मेरा क्या होता है बटा वन बटा ए, तो ये क्या बाबू मिरर फॉर्मूला है ना। लेंस में क्या करोगे, लेंस फॉर्मूला क्या, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस की जगह माइनस डाल देना, प्लस की जगह क्या कर देना माइनस डाल देना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हो जाएंगे। ठीक है, अब बाबू आपको क्या बताया था, बाबू क्या बताया था, जैसे मिरर में बताया ना मैग्निफिकेशन बाबू, तो ऐसे यहाँ भी डिफाइन करें मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट बाबू मैग्निफिकेशन, जैसे मिरर में डिफाइन किया बाबू, उस तरह से यहाँ भी डिफाइन करेंगे मैग्निफिकेशन। क्या होता है शिवांगी बता बाबू, शिवांगी मैग्निफिकेशन क्या होता है, नहीं जानती है सर? M1 by M2, M1 by M2, बाद में मेरे लाल बाबा। नो सर, बता दियो, एक मिनट। हाँ देख के बता रहे हैं सर, एक मिनट। अब वीडियो क्यों बंद है? नो सर, देख के नहीं बता रही हूँ, रुकिए ना। हाँ तो वीडियो क्यों बंद है? इनका वीडियो बंद है सुबह से ही। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज। हाँ कल आप लोग बाबू टेस्ट की तैयारी बाहर गई थी, इसलिए मेरा वीडियो ऑफ था, तो बाहर जाओ तब भी वीडियो ऑन ही रखो सर। बाहर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज। अच्छा ठीक है शैतान, जिसका टर्न आता है उसको बोलने दीजिए। ठीक है बाबू, ठीक है सर। मैग्निफिकेशन क्या होता है बाबू, मैग्निफिकेशन क्या होता है बाबू, ठीक है ना सर? बता रही हूँ ना, एम इक्वल टू हाइट बाय हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है शिवानी, ठीक है बाबू, हाइट ऑफ इमेज। हाँ बाबू, इट इज बाबू मैग्निफिकेशन क्या होगा बाबू, इट इज डिफाइन एज बाबू, इसको डिफाइन कर बाबू, इट इज डिफाइंड एज दी बाबू, इट इज डिफाइंड एज दी बाबू, डिफाइंड एज बाबू रेशियो ऑफ बाबू हाइट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज बाबू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाबू, हाइट ऑफ इमेज बाबू टू दी हाइट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज दी बाबू रेशियो ऑफ height of image to the height of object, it is defined as the babu ratio of height of image to the height of object। ठीक है बाबू, ठीक है, मतलब से इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू, इट इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाई अ स्मॉल m, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एम बराबर क्या होगा, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा सर, हाइट ऑफ बाबू इमेज बटा बाबू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग क्या माने बाबू, हाइट ऑफ इमेज को मान लेते हैं एच डैश, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच मान लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा, लिखिए बाबू मैग्निफिकेशन को किससे सर, स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे। ऑन करो ना शिवांगी वीडियो, अब सही हुआ प्रखर की नहीं हुआ बाबू, प्रखर हमारे बहुत कोशिश कर रही है, प्रखर ये सर सही हो गया सर। चलिए ठीक है, ये समझ जाओगे बाबू, भी यू मेरा क्या है सर, भी मेरा क्या बाबू ऑब्जेक्ट, ये इमेज इमेज की डिस्टेंस है, यू मेरा क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लिख लो बाबू नहीं तो आप लोग फिर कहोगे वो सर दिक्कत है, यहाँ साइड में लिख लेना बाबू, ठीक है ना, हियर बाबू, ठीक है, ये सभी में भी यही हुआ ना बाबू, तो भी मेरा क्या है सर, भेर बाबू भी क्या इमेज डिस्टेंस है, नहीं तो कहोगे सर नहीं लिखा है सर, साइड प्लीज। अच्छा बाबू ओके, लिख रहे लिख रहे, यू बाबू क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तीन लाइन लिखने दोनों, यू क्या बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सब तो आपको, और एफ क्या बाबू फोकल लेंथ है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, लिखे बाबू, नेक्स्ट
सतीश शिवांगी के बाद किसका बारी है? सतीश का बारी है। सतीश बाबू तैयार रहिए। नहीं लिखे लिखे ना, मिटा नहीं रहे। सतीश है शैतान? नहीं ये चल गया, ये तो है। है सतीश बाबू सुनता नहीं, एक बार में सुनता नहीं, डिस्को कहते ढीठ। हमारा वेदांत कहाँ गया? नहीं आया आज का? ये तो है, गोल मटोल नहीं तो बैठा हुआ, अंधेरा में बैठा हुआ। लाइट लाइट नहीं है बाबू? नहीं सर, लाइट रात से ही कटा हुआ। चलिए तो मोबाइल चार्ज है ना? नहीं सर, 10% भी मैं नहीं हूँ सर। 10% भी नहीं है बाबू? बोलिए सर। 10% है सर। चलो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला था, एक और कौन सा होता बताओ? एक मैग्निफिकेशन का दो, हाँ माइनस वी बाई माइनस यू, माइनस वी बटा यू होता है ना, ठीक हो। कितना तक लिखो? तो यहाँ बाबू लेंस में भी दो दो, दो होगा। सुंदर सा फेयर करना। नेक्स्ट बाबू, तो मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होगा सर? एक होता है सर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरा बाबू मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है सर? माइनस v बटा u। तो ध्यान देना बाबू, मिरर में ना माइनस v बटा u होता है, मिरर में लेंस में बाबू माइनस नहीं होंगे, लेंस में बाबू यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये ध्यान देना। लेंस में बाबू सिर्फ v बटा u होगा, है ना? ठीक है, जहाँ v बाबू लिखा दिया ना, इमेज डिस्टेंस बाबू यू, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है h डैश, मेरा क्या बाबू ये हाइट ऑफ इमेज है बाबू। फिर लिखा है बाबू, लिखा देते आप लोग बाबू, हाइट ऑफ इमेज है। इसमें जो वर्ड यूज हुआ बाबू, वर्ड जो यूज हुआ वही लिखा रहा है, हाइट ऑफ बाबू इमेज है। ठीक, एच मेरा क्या बाबू? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। भी मेरा क्या बाबू? इमेज डिस्टेंस है। यू मेरा क्या बाबू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। फार्मूला पे बाबू, इस फार्मूला को यूज करके और ये वाला लेंस फार्मूला को यूज करके, सर इसमें माइनस नहीं लगेगा? नहीं बाबू, लेंस में माइनस नहीं होता, ध्यान देना, बी केयरफुल बाबू, लेंस में माइनस नहीं होता, मिरर में माइनस होता, ठीक है ना, लेंस में माइनस नहीं होता। इसमें एक कंसेप्ट था लगता है, देखते हैं वर्मा जी में बाबू, ये तो 9 वाला 10 वाला नहीं है, 10 का वर्मा जी कहां रह गया? तो हमको ये बता बाबू, मैग्निफिकेशन जो कनकेव लेंस का होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? कनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन बाबू, कनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आप लोग इस पर सोचिए एक मिनट, हम वर्मा जी का बुक लेके आ रहे हैं। देखो क्लास 9 का वर्मा जी मेरे पास है सर, क्या क्लास 9 कनकेव लेंस का? मेरे पास भी है ये वाला, आते ही 9 का 10 वाला लेके आ रहे हैं बाबू। कनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सर जी? वर्मा जी, वर्मा जी सर। हाँ बाबू, कौन कैसे वर्मा बाबू? वो फिजिक्स के बहुत बड़े राइटर है, ये मतलब वो फिजिक्स के टीचर है। 9 क्लास के सर? नहीं, वो सब क्लास को फिजिक्स पढ़ाता है। चलिए बाबू बताइए बाबू। अरे ये शैतान देखो, वर्मा जी है ये बाबू, एससी
एसी वर्मा क्लास 10 का, ठीक है ना, 12 में जाओ बाबू तो एसी वर्मा का बुक बहुत फेमस है, जो फिजिक्स का बुक है, कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, पॉजिटिव होगा कॉनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन। अच्छा ठीक है, अरे सेता आप सुनो शांति से, क्लास 12 में जब पढ़ोगे बाबू तो एक कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स करके वर्मा जी का बहुत फेमस बुक है, तो पहले वो 11 12 का आता था वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके, अब उसने राइटर कर दिया बाबू ना ये 10 का भी निकाल दिया, ये देखो 10 है ना शैतान, ठीक है, देखो 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 10 हो गया, और ये बाबू आपका 9 का है, 9 का है, फाउंडेशन ऑफ साइंस बाबू फिजिक्स करते है ना, पतली सी बुक है शैतान लेकिन पूरा नहीं छोड़ दिया हुआ है, हाय तो अच्छी बात है बाबू, हाय तो रखा हुआ है ना, पढ़ोगे तब ना, कभी उलट के देखो, देखो हम सारा चीज बता दिए इसका बाबू, एक एक लाइन बता दिया आपका, तो जनरली किस क्लास का, 4 क्लास का, ठीक है ना, कोई खाली नाम पे गलती से प्रिंट प्रिंट कर दिया, ठीक है सारा बता दिया, कभी उलट के देखोगे तब ना बाबू, क्या नहीं बताया, देखो तो साइन कन्वेंशन सारा का सारा चीज बता दी, मैग्निफिकेशन बाबू, ठीक है बाबू, तो नेक्स्ट एक लाइन लिखना बाबू, यहाँ पे एक लाइन लिखा बाबू, एक लाइन लिखा, आपको पढ़ाने के पहले बाबू हमको पढ़ना पड़ता है, एक लाइन पढ़ना पड़ता है, ठीक है नेक्स्ट बाबू, तो मैग्निफिकेशन कॉनकेव लेंस का क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कौन बताएगा, पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव होगा, कैसे कैसे, हाउ 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 हाउ, कैसे बाबू समझो कॉन्सेप्ट को समझो, नेक्स्ट बाबू कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे सर, क्योंकि उसका हमेशा वर्चुअल इमेज रहता है, तो वर्चुअल बनेगा तो क्या पॉजिटिव इमेज देंगे, इससे वर्चुअल की क्या बात है बाबू, हाइट से बात है, हाइट की बात है, हाइट की बात है, मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन में हाइट की बात है, तारे शैतान कॉनकेव लेंस लो ना बाबू, कॉनकेव लेंस बनाओ, ठीक है, और इसका कोई ऑब्जेक्ट रखो तो इसका इमेज कैसे बनता है, इसका इमेज हमेशा कैसे बनेगा बताओ, ऐसी बनता ना बाबू, एक्सिस प्रिंसिपल कॉनकेव लेंस बाबू, दो ये वो केस है, इमेज कैसे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर बनता है, वो नीचे कैसे चला गया, वो तो डाइवर्ज कर जाएगा ऊपर ना, अरे शैतानी ऊपर चल जाएगा तो इसको पीछे बढ़ाएंगे ना बाबू, पीछे बढ़ाएंगे ना, ये इधर नहीं चल जाएगा, चलो अच्छी बात है, ठीक है ये इधर डाइवर्ज कर जाएगा तो इसको पीछे बढ़ाएंगे ना बाबू, देखो शैतान शांति से देखो, समझाइए देते मन से, ये सर मन से समझाइए क्या हुआ प्रकाश सिंह, क्यों सर पे हाथ रखते हैं बाबू, देखो कॉनकेव लेंस का बाबू दो गो केस होता है, कॉनकेव लेंस में बाबू आपको दो गो केस होते हैं ना, तो उसमें इमेज देखो कैसे, इमेज हमेशा कैसे बना बताओ, इमेज हमेशा कैसे बना बाबू, उल्टा बना है, कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव की ओपन करो ना बाबू, बताए थे ना डायग्राम भी बताए थे, ठीक है तो कॉनकेव लेंस में बाबू उसका रेड डायग्राम खींचो ना बाबू दोनों केस के लिए, यस सर हमेशा उल्टा बनता, कहां गया, आएंगे ना तो इसको भी दूं, ऐसे क्या बने, ये सब सब्जी बेचना है, इनवर्टेड बनाना सर, कॉनकेव लेंस में इनवर्टेड बनाना ही सुसाइड कर लेंगे, मूड खराब करेगा था, कॉनकेव लेंस हां कॉनकेव में शैतान कॉनकेव में, पहले शिवांगी का हिसाब किताब करने दो, आज 8 तारीख है बाबू, एक छड़ी कॉनवेक्स में, नो सर रुक जाइए ना, मैं तो ऐसे ही बस बोल दी थी ना, हम भी तो ऐसे आते हैं, मेरा चांस थोड़ी अभी बताने का, तब ना चढ़ाइएगा गलत बताऊंगी तो, चलिए ठीक है वो हो गया बाबू, ऐसे तो नहीं बोलो, पढ़ाई चला ठीक है, ये क्या सर कॉनकेव लेंस बाबू, दिस इज द बाबू कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस है ना, ठीक है बाबू, ये क्या बाबू कॉनकेव लेंस है, यस तो सर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और एक फोकल लेंस से छिकर के इमेजिनरी छिकरेगा, ठीक है तो कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो बाबू, ऑब्जेक्ट को कहीं रखो तो ये रे चला सर, ठीक है ये इधर क्या हो गया सर, डाइवर्ट हो गया, ठीक है सर, कोई भी सिचुएशन ले लो, कॉनकेव लेंस में वो दुइये होता, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओ ना बाबू, इसको पीछे बढ़ाओ ना, ठीक है सर पीछे बढ़ा दिए सर, इस रे को बाबू पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पे कट कर दिया, क्या हो गया फोकस हो गया, नेक्स्ट सेकेंड रे लो बाबू, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया सर, है ना ऑप्टिकल सेंटर पास, तो जहां पे बाबू रिफ्रैक्टेड रे कट किया तो रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड रे डॉटेड वाला क्या रिफ्रैक्टेड रे बाबू, बैक साइड पढ़ा है, और ये भी बाबू क्या है रिफ्रैक्टेड रे, तो जहां पे कट करेगा बाबू, जहां पे कट करेगा बाबू यहीं पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना, तो अगर बाबू ये मान लो हाइट अगर इसके ए बी है बाबू, है ना, तो ये कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश, इसको मान लेते हैं, तो अगर इस केस में मैग्निफिकेशन निकालो बाबू, इस केस में मैग्निफिकेशन निकालोगे तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या लिखोगे बताओ, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन बाबू, मैग्निफिकेशन बराबर क्या लिखोगे सर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज करोगे, हाइट ऑफ इमेज बाबू, हाइट ऑफ इमेज बाबू बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे, यही करोगे,
हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे, यही करोगे, ठीक है सर। तो हाइट ऑफ इमेज बाबू मान लो क्या ए बी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज देखो बाबू, अब हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे सर, बताओ किसका टर्न है, किसका टर्न है बताओ सतीश बाबू, सतीश के बाद उसका शिवम का आएगा। सतीश हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे? हाइट ऑफ इमेज सर जी हो जाएगा हमारे हिसाब से निगेटिव हो जाएगा सर। हाँ सर आपके हिसाब से निगेटिव नहीं सर, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सर। आप बताए शिवानी, थर्ड नंबर शिवानी बाबू बताइए तो पॉजिटिव हो जाएगा सर। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा शिवानी? ये तो है ही नहीं है, बताओ चलो शिवम बाबू, शिवम हाइट, शिवम क्या होगा हाइट ऑफ इमेज बाबू? शिवम सर पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों सर? अरे यही नहीं इमेज है बाबू, यही नहीं इमेज है, तो इसका हाइट बाबू कनकेव लेंस में हमेशा क्या बनता है? कनकेव लेंस में बाबू ओपन करो, कनकेव लेंस में इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बाबू क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगे सर। अगर नीचे बनता तो निगेटिव। हाँ बाबू नीचे बनता तो निगेटिव, ठीक है ना, ठीक है। बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बाबू हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा बाबू, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा बाबू, मैग्निफिकेशन ये भी ऊपर भी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है ना बाबू। तो दोनों नंबर है बाबू, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा एम बराबर क्या आ जाएगा? अरे इसको सोल्व करोगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऊपर भी पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर भी नीचे भी पॉजिटिव है ना। तो अल्टीमेटली क्या देगा बाबू पॉजिटिव वैल्यू देगा, एम का वैल्यू क्या दे देगा पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अरे दूगो में वो कोई निगेटिव आता तब ना निगेटिव लिखते बाबू, अरे शैतान थ्री है वो माइनस टू है तब ना इसको बाबू निगेटिव कहते हैं। यहाँ बहुत दोनों तो ऊपर ही है, प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों क्या ऊपर ही है, ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस को, दोनों का वैल्यू को क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या दो बाबू पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा किसमें सर, किसमें सर कनकेव लेंस में, राइट डाउन करो बाबू। एम पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना, एम मेरा क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। वेदांत, वेदांत बाबू यस सर, नहीं ना समझ में आता बाबू थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है बाबू हम समझ रहे हैं भावना आपके, दर्द हो रहा आपको बहुत, दिल दुख रहा समझ रहे हैं बाबू, दिल से आयो ना, मुस्कुराइए नहीं शर्मा जी, थोड़ा हिम्मत बांधिए तो दिनांत बाबू, थोड़ा हिम्मत बांधिए बाबू, हाँ बांध लीजिए, हाँ एक आध दो महीना मन से पढ़े देखे सर, मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, लड़ाई मत लगवाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू। तो एक नीचे कंसेप्ट लिख लेना बाबू फॉर कनकेव लेंस बाबू, नीचे कंसेप्ट। हाँ बोले सतीश बाबू बोलिए ना सर, कल टाइमिंग चेंज कीजिए ना, कल टाइमिंग क्या, कल टेस्ट है बाबू, कल टेस्ट आप लोग 6-7 दीजिए ना, लाइव टेस्ट दीजिए कल, कल आप लोग का टेस्ट है बाबू, लाइव टेस्ट देना, 10 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बोर्ड पे लिखेंगे बनाना है और गूगल फॉर्म में जाकर 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स बोर्ड पे लिखेंगे बाबू, लाइव टेस्ट लेंगे, कल प्राइज करना है। हाँ क्या बोल रहे बाबू सतीश बाबू? सर टाइम चेंज कीजिए ना सर, टाइम क्या क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ, चेंज कर दीजिए सर, 7 बजे से टेस्ट होता है, 7 बजे से टेस्ट होता है, चेंज कर दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ तो 10 मिनट चेंज किया ना बाबू, 5:50 से तो 6 बजे से बोल रहा है ना। नहीं सर आप कर दीजिए ना, 9 बजे से कर दीजिए सर, 9 बजे से कर दीजिए, 10 बजे से कर दीजिए, जब कर दीजिए, मगर सर मेरा तो क्लास का था ना सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे शैतान देखो साइड में, देखो शैतानी मत करो ठीक है ना, आप लोग को उठने में आलस हो रहा था, 1 घंटा उठ जाना उसके बाद फिर सो जाना, खाली अपना सुविधा देखता सर, हमको थोड़ा सोना है देख, नहीं सर उठने के लिए नहीं सर, यार मैं उठने के लिए काम कर रही हूं सर, मैं तो उठूंगी सर, मेरा क्लास बहुत ज्यादा रहता है। संडे को कौन सा क्लास है मैम? संडे को भी रहता है ना सर, एक्स्ट्रा क्लास सब रहता है। बोले सर क्या बोलना सर, स्कूल खुल गया अपनी क्लास, स्कूल खुल गया था, ठीक है बाबू स्कूल खुल गया मानते हैं, स्कूल कितने बजे से जाते हो सतीश? चले बाबा खुला हुआ, टाइमिंग बताइए सर, कल कल ट्यूशन है, क्या बजे से ट्यूशन है बाबू? 6 बजे तो 5 से 6 टेस्ट दे दो सुबह में सर, मेरा 7 बजे से क्लास रहता है,
बस है बंद देखो कार्ड बना अच्छा बैलेंस का बैटरी डिस्चार्ज है नेक्स्ट मॉडल कांसेप्ट लिखो एक कांसेप्ट लिखो आप लोग का हम गप करेंगे तो गप करते रह जाएंगे नेक्स्ट बाबू कॉन्सेप्ट लिखे बाबू इसके नीचे कॉन्सेप्ट लिखे बाबू सतीश का तो नेटवर्क नहीं सही से पकड़ा नेक्स्ट बाबू मैग्निफिकेशन ऑफ बाबू आपका साउंड कट रहा बाबू मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन बाबू किससे एम बाबू ऑफ कनकेव लेंस मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस बाबू इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस बाबू इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक बाबू इस पे न्यूमेरिकल बाकी न्यूमेरिकल लेंस फार्मूला ये सब तो बाबू अब न्यूमेरिकल चलेगा उसके बाद बाबू आपको दे दीजिए ना बैलेंस खिलाएंगे क्या बोल रहे सतीश आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है अच्छा एक होमवर्क दे देते बना के लाइएगा तो सर कल तो दिखाने नंबर क्यों दे रहे सर पापा ऐसे ही सर खूब मैथ्स पढ़ाते हैं आजकल फिजिक्स तो वो पढ़ाने का नाम ही नहीं लेते हैं खाली बोलते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं वो होते हैं हाँ हाँ ठीक है बाबू मैथ थोड़ा आगे यूज कीजिए सभी जगह मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए ना फिजिक्स हो जाएगा जो अभी फार्मूला जो आप मिरर पढ़ाए बाबू मिरर फार्मूला ठीक है ना उसी तरह लेंस फार्मूला तो एक न्यूमेरिकल दे देते हैं अब एक बार अगला पार्ट देखो ना बोलते हैं कागज पे लिखे इतना मुंह क्यों लटकाती हो सौम्या है ना ड्यूअल कैरेक्टर क्यों रखती हो एक 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 देंगे एक ही देंगे कनकेव लेंस बाबू हाँ सतीश अरे आपका साउंड ब्रेक हो रहा है सतीश बाबू हम क्या करें ठीक है कनकेव लेंस बाबू सर अब टाइमिंग कल टेस्ट का बाबू यस सर कल उसी में भी टेस्ट है सर शाम को आ दीजिए ना टेस्ट सर अरे नहीं कोई शाम को नहीं कभी भी नहीं नहीं सर नहीं नहीं सर शाम में मत करिएगा सर शाम को कोई आईडिया नहीं करता हम सर 9 बजे के आसपास करिए ना नहीं बिल्कुल नहीं सर क्लास में सर नहीं करिए सर 9 बजे सर एक्चुअल टाइमिंग ही सबसे बेस्ट है सर सब लोग उठने से ना कहानी कर रहे हैं सर जो है जो रहने दीजिए सर देखो टाइम जो होता है ना बाबू सब चीजें मैंने शुरू में जो फिक्स हो जाता ना वो हो जाता फिर बाद में ना 10-15 स्टूडेंट है उसका कुछ है उसका कुछ है हाँ सर सबसे ज्यादा मेरा है सर मेरे बजे 7 बजे का टेस्ट है 7 बजे से टेस्ट है कंकेवलेंस बाबू आज 4 कॉलम 5 सेंटीमीटर बाबू स्कूल वाले बहुत गुस्सा भर जाए संडे को कौन सा टेस्ट लेते हो बट व्हाट डिस्टेंस सर आप देखिए सतीश मैं टाइम बता दीजिएगा सर बता दे क्यों स्कूल वालों को एट व्हाट डिस्टेंस बाबू शुड बी लिखे बाबू एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बाबू तब हम क्या कर सकते हैं हां सतीश बाबू शुड द ऑब्जेक्ट बाबू कल वाला टेस्ट हम छोड़ देते हैं सर हां ठीक है स्कूल का ऐसा ऐसा डांस स्कूल का क्या वजह से बाबू स्कूल नहीं है सर ट्यूशन है अच्छा ट्यूशन है तो ट्यूशन कोचिंग है बाबू यस सर शाम वाला सस्पेंड कर दिए हैं हम कहे कि चाहिए नहीं सर शाम के लिए तो कहे कि नहीं शाम का दूसरा बैच का तो फिर मैंने शाम वाला सुबह में कर दिया क्या वजह से कर दिया सर 6:45 तक वहां पर रहा सर हम लोग स्कूल खुल जाएगा तक कितना बजे से पढ़ाएगा खुलने दो ना फिर देखते हैं खुल गया सर कुछ दिन और है बस आज मीटिंग है तो सिर्फ खाली टेस्ट का कल टाइम चेंज हुआ सतीश यस सर अच्छा तो मोबाइल लेके जाते हैं ना बाबू तो 6 बजे निकाल जाना क्या दिक्कत है बाबू मोबाइल हम सर अरे शैतान सुनो बताते हैं कोचिंग जाना 6 बजे निकाल जाना या 5:50 में निकल जाना सही बात है देखो दोनों काम हो जाएगा तो 5 कितना 10 मिनट लगेगा 6 बजे पहुंच जाना तो कोचिंग में आधा घंटा पहले जाना इधर टेस्ट दे देना वहां 6:40 से स्टार्ट होगा तो मेरा तो 6:40 तक एंड हो जाएगा हम तो 6:40 तक एंड कर देंगे मात्र 10 क्वेश्चन देंगे बाबू 40 मार्क्स रहेगा 30 मिनट देंगे तो 6:40 में एंड हो जाएगा तो इधर टेस्ट दे देना दिक्कत क्या कोचिंग में रहना सबसे बढ़िया
समझा सतीश सर, आप कल बोर्ड टेस्ट लीजिएगा सर, या फिर वो भेजिएगा फॉर्म सर, उसमें फिल करेंगे। मैं बोर्ड पे ले लेंगे बाबू, बोर्ड पे ले लेंगे, प्राइज वाला है ना, तो बोर्ड पे। तो बोर्ड पे 20 क्वेश्चन लिखिएगा ना, 10 को 10 क्वेश्चन बाबू, 10 क्वेश्चन 30 मिनट हो गया। अब इसको एबीसीडी बनाना है, गूगल फॉर्म में जाकर सबमिट कर देना, बस हो गया। कितना आराम से उपाय है सर, सब क्या खोजते हो सर? क्वेश्चन देने से पहले गूगल अथी एबीसीडी सेंड होगा कि मतलब बाद में बनाने के बाद? क्वेश्चन पूरा लिख दीजिए ना सर, क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते चलेंगे, आप लोग बनाते चलना, उसमें ऑप्शन भी लिखते चलेंगे, ए बी सी डी, ठीक है? ये लाइव होगा, लाइव टेस्ट होगा, ठीक है? जब टोटल क्वेश्चन बना लिए तो गूगल फॉर्म का आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करना, ओपन करना, वहां क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा वहां पे सर्किल कर देना, 2 रहेगा वहां जो ऑप्शन सही होगा उसको सर्किल कर देना, 3 आएगा। क्या बाबू पूरा क्वेश्चन लिख दिए ना इसका सर, वैसे ही नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो, वैसे नहीं आएगा मतलब जैसे पहले टेस्ट होता था सर जी, वैसे ही ना गूगल आते मतलब क्रोम ऐप से खुलेगा? हाँ वैसे ही खुलेगा, लेकिन क्वेश्चन वहां नहीं रहेगा, खाली क्वेश्चन नंबर रहेगा और ऑप्शन रहेगा। तो जल्दी भेज दीजिएगा सर, क्वेश्चन मतलब लिख लीजिएगा और भेज दीजिएगा, हम कहे कि चल जाएंगे तुरंत सादा रूप बनाकर। अच्छा ठीक है, हाँ तो गूगल फॉर्म का हम पहले फॉर्म का ये भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, आप बोर्ड पे लाइव आके टेस्ट दे देना, सीधा सी बात है, हो गया। 30 मिनट का काम है, 6 से 6:30 कल आप लोग का टेस्ट का टाइम है, 6 से 6:30 काम तमाम हो गया, बस 30 मिनट में हो गया, ठीक है? एक क्वेश्चन बना के लाएकेबलेंस बाबू, साइज फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, From the lens, Babu. Also find, इसको बना के लाना, हम बताएंगे अगला क्लास में। Also find, Babu. Also find the magnification. Produced by lens. यस सर, बहुत इजी है, बन जाएगा। तो जैसे मिरर में पड़े बाबू उसी तरह से लेंस का, जैसे मिरर में पड़े उसी तरह से लेंस का है ना। 1/v - 1/e = 1/f से खाली पुट कर देना है सबका वैल्यू। हाँ पुट कर, बस 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 वही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। छुट्टी थी क्लास।